Assalamualaikum everyone, this is Mavish Khan. And this is Haimur Khan. कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? कैसा गुजर रहा है आप लोगों का दिन? और बहुत ही अच्छा सनी ब्राइट डे. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अनाउंसमेंट की थी कि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल सेलिब्रिटी ऑनलाइन आने वाले हैं, जिनसे हम लाइव बहुत सारी बातें करेंगे. और जो वो हैं वो बहुत ही सुपर सुपर फेमस है आजकल नाउ डेज. उनकी ज़बरदस्त साड़ी है, उनके बारे में मैं भी शुरू कुछ नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है. तो हमारे साथ लाइव आने वाले उस्मान खालिद भट्ट. और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि थोड़े से दिन रह गए ईद पे और उसके बाद आने वाला है ताज़ा मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल. बिल्कुल, और सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पर आने वाले हैं हमारी ईद को और स्पेशल करने के लिए. सो आई जस्ट कैन नॉट वेट कि वो लोग कब यहाँ पर आएँ और अपनी एंटरटेनमेंट हमको दें, परफॉर्मेंस सबको दिखाएँ. और इनफैक्ट इस वक्त हम लोग मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर पर ही मौजूद हैं और हमारा थोड़ा सा ये प्लान था कि हम आप लोगों को थारा वहाँ का भी दिखाएँ कि स्टेज और सारा कुछ. ये बाहर सो विंडी, वेरी नाइस वेदर हो रहा है, तो तेज हवाएं चल रही हैं, तो लाइट मीटिंग सब लोग उड़ते ही बिना चले जाए, इसी वजह से हम लोग अंदर आ गए हैं ताकि आप हमारी बात को सुन सकें और हवा की वजह से इंटरप्शन ना हो. हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ व्यूअर्स हैं, तो सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. और थोड़ा सा हम और वेट करते हैं और उस्मान भी आ जाएँ तो फिर अच्छा. कोई जो भी हमें देख रहे हैं प्लीज़ डू कमेंट्स ताकि हमें पता चले. हेलो राधा चंदन, हाउ आर यू? और थैंक यू सो मच फॉर मैसेज. हम लोग हर दफ़ा यही कहते हैं कि प्लीज़ अपने कॉमेंट्स डालते हैं ताकि हमें पता हो कि ये जो है फाइट कर रहा है और आप अच्छे से और आप पेशेंस का बहुत बहुत थैंक्स क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए आपके साथ लेकिन बट यू नो पाकिस्तान से कनेक्ट करना यहाँ से तो इट टेक्स सम इट टेक्स टाइम. और थोड़ा सा बताते चलिए कि टुडे इज़ वेलनेस डे और पाकिस्तान में भी मोस्ट प्रॉब्लली फ्राइडे को शायद दो चार यहाँ पर भी थोड़े से दिन रह गए ईद के लिए. और हम लोग सब पूरी टीम सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन सारी ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई है. सब आप लोगों के लिए हो रहा है ना महेश? बिल्कुल, और बहुत हार्ड वर्क की जा रही है, बहुत सारी चीज़ों को मेक श्योर किया जा रहा है कि जब आप लोग यहाँ पर आएँ तो आप लोग को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएँ. तो आप लोगों को भी आना है जी. साहिब ज़्यादा पूछ रहे हैं वेयर इज़ उस्मान, तो बस हम लोग कुछ ही मिनटों में वो आने वाले, मे बी कुछ एक दो मिनट जी. और वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, ही विल बी ऑन वेयर. तो आप लोग बताइए कैसे आजकल वेदर बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे वेदर में दिल चाहता है कि बाहर निकलें, इसी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज थोड़ा सा डिफरेंट करें क्योंकि जो हमारे साथ हमारे स्टार आने वाले हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़े से एनर्जेटिक और थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, बहुत डिफरेंट इन अ गुड वे, बहुत ही जबरदस्त है ना. और यहाँ के वेदर का मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता बिकॉज दिन के टाइम पर बहुत ही बड़ा थंडरस्टॉर्म आया था बट यहाँ ओनली फॉर 5 मिनट्स. तो फिर जब वो गया है तो ऐसा गया है कि अच्छा दुआ कह रही थी वॉइस नॉट क्लियर, थोड़ा सा हम क्लियर आ जाते हैं क्योंकि दुआ हमारा मेन ये जो था कि हम लोग है ना बाहर आकर सेलिब्रेशन स्क्वायर से हम लाइव को कि बाहर बहुत विंडी है तो हम लोग अंदर ग्लास पवेलियन में आ रहे हैं. ऑब्वियसली यहाँ का भी एक रिलेट है, लोग पीछे बात कर रहे हैं तो आते किस वजह से आपको हमारी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही है पर हम इतना कर और करीब आ जाते हैं ताकि आपको हमारी आवाज़. ओके सो देयर ही कम. अस्सलाम वालेकुम उस्मान. वालेकुम उस्मान. सो ही इज़ फाइनली ऑन और अब हम इनको कैमरे पे ऐड करने लगे हैं और इनसे करेंगे खूब सारी बात. उस्मान आप भी रेडी हैं राइट? मैं बस उस्मान को इनवाइट करती हूँ यहाँ से. उस्मान आई वांट टू टेल यू कि आपके जब आइकॉन नज़र आ रहा है देर इज़ अ नो साइन फॉर द जॉइनिंग, लाइक वीडियो में हम नहीं कर सकते, देर इज़ अ ग्रीन ऑप्शन देयर बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप अपने सेलफोन से ऑनलाइन हुए हुए हो या लैपटॉप से. If you message me, तो है ना? या अगर आप कॉमेंट करके हमें बता दें बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू ऐड यू ऑन कैमरा बिकॉज देयर इज अ नो आइकॉन सो वी कैन नॉट. इट्स नॉट शोइंग द आइकॉन. सो आप बस ये थोड़ा सा बता देंगे क्योंकि अगर आप लैपटॉप से ऑन होते हैं तो अगर लैपटॉप से होते हैं सो आई थिंक शायद कैमरे का ऑप्शन नहीं हो जाता जी. और अगर आप ओ ही सेइंग सेल फोन. ओके उस्मान आपने सेल फोन से नहीं दैट्स ओके दैट्स नॉट इज
But yeah, small say from myself. But स्मार्ट अगर आप अगर हमें इनविटेशन भेज दें तो मे बी शायद आ जाए तो फिर आप ऐड हो सकते हैं नो क्योंकि यूजली देखिए जो दूसरे और व्यूअर्स हैं उनके साइड में एक ग्रीन कलर का आइकॉन आ रहा है दैट्स मीन दे हैव ऑप्शन आपके पास अभी एक्सेस नहीं आ रहा है I can understand some sadhak ke liye hai ke because of this man they are waiting I know people have been waiting for so long se baat karne ke liye and trying yes because they said I wish these are all icon I can see everything now I can see someone yes now that's a sadhak यस उस्मान प्लीज़ अगर आप दोबारा से ट्राई कर लें तो थैंक यू सो मच क्योंकि सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं यस वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कनेक्ट हिम नवीन सिंह नहीं बिल्कुल प्लीज सेंड इनवाइट अगेन इफ़ यू सी जो सारे लोग मैसेज कर रहे हैं उनके साइड में देर इज़ अ ग्रीन आइकॉन तो दैट्स मीन के वो उनका ऑप्शन आ सकता है ऐड होने के लिए लेकिन आपका जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है जैसे अभी साहब प्लीज़ तो आपका आइकॉन नहीं आ रहा है लाइक अ ग्रीन आपकी कोई प्राइवेसी पे सेटिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने उसको ऑफ किया क्योंकि इस तरह का एक ऑप्शन होता है अभी अगर आप कॉमेंट्स पे देखें तो ओके गाइज वी हैव अ रिक्वेस्ट इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द साइड कॉन्वर्सेशन प्लीज डोंट सेंड अस अ वीडियो रिक्वेस्ट बिकॉज वी कैन नॉट ऐड यू राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू डू अ लाइव इंटरव्यू विद उस्मान खालिद तो प्लीज आप लोग अपनी रिक्वेस्ट ना भेजिए और जी ऐसा होता है फेसबुक में ग्लिचेस चलते रहते हैं अक्सर ये होता है कभी कभार कमेंट्स नहीं आते हैं बट हम लोग सब आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं और हमारे जो स्टार्स हैं वो इस टाइम ऑब्वियसली पाकिस्तान में काफ़ी उस वक्त रात के आई थिंक 3-4 बज रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर प्रीशियस टाइम टू यू गाइस तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए हमें और हेलो स्टीफन उस्मान अगर आपने दोबारा से स्टार्ट किया है क्योंकि समटाइम जिसे ग्रीन ऑप्शन आते हैं अक्सर हो जाते हैं फिर कभी कभार समटाइम तो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो है लाइव पे अभी आप रिक्वेस्ट भेज रहे थे तो हम लोग इस वक्त उस्मान खालिद बैट को अपने साथ लाइन पे लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट ना भेजिए सहरी टाइम इन पाकिस्तान जी और उस्मान स्पेशली हमारे लिए इस टाइम पर आ रहे हैं कल अदनान सिद्दीकी के साथ भी यही हुआ था उन्होंने भी हमें सहरी का टाइम दिया था और हमारे सारे स्टार्स जो यहाँ पर आ रहे हैं मैं भी सारे अपने इतने मतलब हरियाणा भी जब आई थी तो अपने आई थिंक 2-3 बज रहे थे पाकिस्तान में और अली रजा काजमी आए थे और शहजाद रॉय आए थे अदनान सिद्दीकी सब अपने इतने प्रीशियस टाइम में से निकाल कर एंड इट मीन्स अ लॉट मोर कि ये लोग इतना हमें इतना प्रेशियस टाइम अपना देते हैं और इतने जबकि वो बिजी होते हैं पूरा दिन और स्पेशली ओके ट्राइंग फॉर माय सिस्टर फोन ओके हाय उस्मान से नाउ सी देयर इज अ सो उस्मान आई एम गोइंग टू ऐड यू हियर और हम इनसे बातें करेंगे सवाल करेंगे
Assalamu alaikum. How are you? Good, good. I'm sorry about this. पता नहीं मेरे फोन की सेटिंग्स का क्या इश्यू है. मैंने बहन को उठाया है अभी, उनसे फोन लिया है. But I'm glad that I'm finally through to you guys. Thank you so much. इतनी struggle करने के लिए इस live conversation पे आने का. So thank you so much for being part of it. और no, not at all. जी. तो हम आपका थोड़ा सा time लेंगे उस्मान, and then we're going to ask you some questions. और बहुत मजे के questions हैं. तो पहले महवेश करेंगी, तो then अच्छा. So I'm gonna start off with you started your career being a zombie. That's actually very surprising, and I guess you played a very cute zombie. Yeah. So मुझे पता है कि why a horror movie was called Zibba Khan. जी जी, इट वॉज कॉल्ड ज़िब्बा खाना. एक्चुअली मेरा हॉरर के साथ एक बचपन से ही ताल्लुक रहा है. मैंने अपनी ज़िंदगी की आई थिंक दूसरी या तीसरी जो फिल्म देखी थी वो नाइटमेयर ऑन एम स्ट्रीट देखी थी. और हॉरर मुझे हमेशा बहुत, इट्स ऑलवेज फैसिनेटेड मी. मैंने इनफैक्ट अपना जो पहला स्क्रीन प्ले लिखा था फॉर इमरान रज़ा काज़मी और हरीम फारूक, जिसमें लीड एक्ट्रेस थी, वॉज कॉल्ड सिया, और वो भी एक हॉरर फिल्म थी. तो मुझे बहुत शौक है, मेरी पोइट्री, मेरे शॉर्ट स्टोरीज में हमेशा ज़रा एक डार्क एंगल और डार्क ट्विस्ट रहा है. So yeah, I just love the genre. I love horror movies. So I guess जब Halloween आती होगी तो आप बहुत ज़्यादा enjoy करते होंगे, extra enjoy करते होंगे, right? Yeah, बिल्कुल. अच्छा, so I've heard that you were also a YouTuber. So how was that experience being a YouTuber? इट्स बिन ग्रेट. आई थिंक पाकिस्तान में उस वक्त सोशल सैटायर का कॉन्सेप्ट इतना हैवी नहीं था एज फार एज वीडियोज आर कंसर्न्ड. हम पॉलिटिकल सैटायर में बहुत माहिर थे, बट ये मैं 2010-2011 की बात कर रहा हूँ. तो आई स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वीलॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग इन पाकिस्तान. तो मैं हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर करता था, चाहे वो हम सफर की पैरोडी हो, चाहे वो पेमरा के कुछ रूल्स के बारे में हो. तो यू नो डिफरेंट टॉपिक्स इस तरह पकड़ के डीलिंग विद द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड यू नो सोसाइटी एज अ होल, पाकिस्तानी सोसाइटी एज अ होल. तो उस पर मैं ज़रा कमेंट्री करता था. इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मैंने इनफैक्ट कभी सोचा नहीं था कि इतनी पॉपुलैरिटी होगी. मैंने तो फिर दोस्तों के लिए रैंडमली पहली वीडियो बनाई थी, बट उसका रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त आया कि उसके बाद आई जस्ट डिसाइडेड टू कंटिन्यू डूइंग इट. एंड इट्स बीन वेरी ग्रेटिफाइंग. आई थिंक मुझे पाकिस्तान में जो पहली मरतबा नेशनल अक्लेम मिला है वो वीलॉग्स की वजह से मिला है. Wow. So, writer, poet, singer, choreographer, actor, YouTuber. तो फिर क्या बचता है? Is there any other talent that you have and you are hiding? मैंने actually I do my degree is in journalism. I did my bachelor's in journalism. तो I love writing. बचपन से ही मुझे writing का बहुत ज़्यादा शौक था. In fact, even before I knew I wanted to be an actor, I wanted to be a writer. तो इट्स ग्रेट. आई थिंक हर कोई जो ये देख भी रहा है और जो ये सुन भी रहा है, आई थिंक मतलब माई मैसेज टू एवरीबडी वुड बी दैट आपका जो पैशन. सॉरी, आई थिंक बीच में लैग आया है. आपका जो पैशन है उसे परसू करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नो इट्स योर लाइफ, यू ओनली लिव इट वंस. तो मेरे मल्टीपल पैशंस थे और आई एम वेरी वेरी लकी, और माशाल्लाह यू नो गॉड हैज बीन वेरी काइंड के हर एक पैशन परसू करने का मौका मिला है मुझे. आगे अगर आप पूछे तो डेफिनेटली फिल्म डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ. अभी कोरियोग्राफी की बात होती है, सो यू डिड कोरियोग्राफी फॉर बिलो हाई फॉर फर्ची. वो तो दैट सॉन्ग वाज अ बिग हिट और बहुत ही जबरदस्त उस पे आपने काम किया था. सो इफ यू आर गिवन अ चांस टू प्ले अ रोल प्लेड बाय एनी अदर एक्टर, व्हाट वुड दैट रोल एंड व्हाई? एनी अदर एक्टर? मूवी बट इट्स अ फैंटास्टिक थ्रिलर. इट्स बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स. एंड आई जस्ट थॉट के यू नो ही हैड 16 मिनट का स्क्रीन टाइम था उनका, और उन्होंने उन 16 मिनट में वो कर दिखाया कि आज तक यू नो लाइक आई कीप रिविजिटिंग दैट फिल्म, बिकॉज आई थिंक इट्स अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग, इट्स अ मास्टर क्लास इन बॉडी लैंग्वेज, इट्स अ मास्टर क्लास इन यू नो
द वे ही वुड डिलीवर हिज डायलॉग्स, तो डेफिनेटली लाइक यू नो आई थिंक बहुत पावरफुल रोल था. ही वन द ऑस्कर फॉर इट अगेन, यू नो 16 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए ही वन द बेस्ट एक्टर ऑस्कर फॉर दैट मूवी. सो आई थिंक दैट्स डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड आई विश दैट यू नो इन एन ऑल्टरनेट यूनिवर्स आई वाज प्लेइंग दैट. होपफुली इस तरह का कोई रोल फ्यूचर में आया एंड यू गेट अ चांस टू प्ले दैट, सो आई रियली विश दैट हैपेंस बिकॉज आपने इसको इतने गौर से ऑब्जर्व किया है एंड आई थिंक यू विल डू अ वंडरफुल जॉब डूइंग दैट. सो आप यहाँ पर आने वाले हैं मिस सागर हलाल फेस्ट पे और ये बहुत ही स्पेशल सेलिब्रेशन होता है जो यहाँ के मुसलमान हैं उनके लिए स्पेशल. और ये मोस्ट हो सकता है कि ईद के सेकेंड डे हो बिकॉज अभी पता नहीं कि ईद फ्राइडे को हो रही है कि सैटरडे को, लेकिन यहाँ पे ओवर 20,000 लोगों का क्राउड होता है एंड इट्स लाइक अ बिगेस्ट इवेंट ऑफ द समर. तो उसमें आप लोग आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, मैनी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू गाइस. तो आप कितने एक्साइटेड हैं इतने सारे क्राउड को देखने के लिए पाकिस्तानी कमेडियंस? I am incredibly excited. एक तो मैं कभी इससे पहले कनाडा नहीं आया. फिर मुझे पता चला है कि मिसिसॉगा में बहुत हैवी देसी कम्युनिटी है और आप भी बता रही हैं कि यू नो 20,000 प्लस क्राउड, दैट्स मैसिव. सो आई थिंक के इट्स वंडरफुल जब भी यू गेट टू एक्सपीरियंस यू नो जस्ट योर मीटिंग योर फैंस एंड मीटिंग पीपल जिनकी एक अप्रिसिएशन है टुवर्ड्स आर्ट्स टुवर्ड्स कल्चर. उनके साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ बातें करना, मुझे मैं बहुत बहुत बातें करता हूँ क्या कहते हैं. तो आई एम रियली रियली really looking forward to, you know, ek to country ka pehla visit hoga, phir you know Mississauga, Toronto, unka pehla visit obviously saath saath, and then just you know just interacting. It's great jab bhi aap interact karte hain you know with a community that actually appreciates arts and appreciates culture and appreciates performing arts. I've heard wonderful things about the country. I've heard one yes, festival ke bare mein maine bahut amazing things sunne ki hai. Adnan Siddiqui ki tarah bahut bada foodie hu, तो मुझे भी खाने का बहुत ज्यादा शौक है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फूड बट मोस्टली ये भी मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की पाकिस्तानी कनेडियन लड़कियां हैं वो दीवानियां, तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा. नो नो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीवन. सो उस्मान, एनी स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, तो थोड़े अपने शायराना अंदाज में या गाने में मैसेज दे सकते हैं आप? ये आप मिस इन्फॉर्म्ड है. आई एम अ बाथरूम सिंगर एट बेस्ट. In fact, wo bhi matlab I've been known to horrify people with my singing voice. Assalamu alaikum Sunny aunty, sorry, that's a dear friend jo ki abhi login hui hai. नहीं मैंने आई थिंक जो मैंने बात की है मैं वही दोहराना चाहूंगा बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं कि यू नो आप यू आर पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो यू नो एक सर्टन परसेप्शन आता है आपका, स्पेशली हमारी सोसाइटी में जहाँ पर उतना ऑनर शायद नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली आर्ट्स को जितना करना चाहिए. एंड आई फील दैट इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन. मैं स्पेसिफिकली उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि दिल में सोच रहे हैं कि यू नो इज दिस समथिंग जो हम परसू करें. So I definitely feel that it is something that you should pursue because aapko bahut life lessons aate hain just for coming in front of the screen and acting. It's about discipline, it's about passion, it's about dedication, it's about the family that you form with your crew and your cast. And I think bahut kuch sikhata hai aapko. And I think that even people jo ke is field se koi taluk nahi rakhte unke liye bhi bahut important hai ki they do theater, they do something, you know, kya kehte hain, koi ek video bana di, koi kuch kar diya, because aapki creativity aur aapka andar jo hum sabke andar ek bachcha hai na jo ki hum suppress karne ki unfortunately bahut koshish karte hain society mein, I think it's time we let that child out. I'm a huge proponent of that. So kya kehte hain, that's definitely what the message that I want to give people. That's a very beautiful message. Aur meri jo co-host hai wo ready hai aapke liye rapid fire round aapke sath karne ke liye, to main chalti hu aur wo aati hai, to meri taraf se aap ready hai. To aap sara ready hai, aapka most favorite rapid fire ji, to main sure, I'm ready. Hi Usman, how are you? Okay. तो मैं आपसे रैपिड गुड गुड हाउ आर यू गुड थैंक यू. उस्मान आप ये बताइए कि आपको रैपिड फायर में कितना मजा आता है? सो अब आंसर देने में बहुत मजा आता है मुझे, बहुत मजा आता है. अच्छा तो मैं नेचुरली नाइस बंदा हूँ, लोग समझते हैं कि मैं डिप्लोमेटिक हो रहा हूँ पर ऐसा नहीं है. क्या लोग क्या समझते हैं?
कि मैं डिप्लोमेटिक हो रहा हूँ अपने जवाबों में, हालांकि ऐसा नहीं है. आई एम जस्ट नेचुरली नहीं नाइस. लगता कभी आप आई हैव अ बोले हैं इनविजिबल हेलो ओवर माय हेड. तो अच्छा सही है. सबसे पहले मैं पूछती हूँ आपसे, जल्दी से बताइए, उलजारा दियारे दिल पागल, वेट योर फेवरेट ड्रॉप चलिए टाइम स्टार्ट अप. कौन जारा? उलजारा. गुड, वेरी गुड. अच्छा उसके बाद आई नो दैट्स माय फेवरेट टू. अच्छा उसके बाद है रेट फ्रॉम हाई टू लो, हाई से लो, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट? आप तो सब कुछ करते हैं, आपसे तो हमें बहुत कुछ सीखना है. राइटिंग, सिंगिंग, कोरियोग्राफी, एक्टिंग या पोएट्री? डेफिनेटली एक्टिंग, राइटिंग, कोरियोग्राफी, इंशाल्लाह डायरेक्शन. मैं थिएटर में डायरेक्शन करता था पर बहुत अरसे से उसका दामन छोड़ दिया मैंने. But I'm hoping to start directing for the stage and for the screen again. So yeah. तो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर. और हम लोग फॉरवर्ड करेंगे कि आपका जो है हम जल्दी से कोई ऐसा वेंचर्स देखें जिसमें आपने डायरेक्टर किया डायरेक्टर किए. तो नंबर उसके बाद जो है विच कोरियोग्राफी इंस्पायर यू मोस्ट? विच सॉरी विच कोरियोग्राफर इंस्पायर यू मोस्ट? Oh, there's so many. I mean, Fred Astaire, Ginger Rogers from Hollywood, all the way through. Oh, damn it! Main La La Land ke choreographer. The choreography in La La Land was so spectacular. Hamare locals mein, kya kehte hain, Appu Samrat ji in Pakistan, Wahab Shah in Pakistan. I mean, yahan par jo contemporary choreographers in Pakistan, they're brilliant. Also, Nigah ji, and in India, I mean, Saroj Khan, sare. क्लासिक्स 80s के 90s के 2000s के. आपने सही बोला था कि आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं. अभी थोड़े से नहीं नहीं एक्चुअली 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 डिप्लोमेसी की बात नहीं है. मेरा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सिनेमा थ्रू आउट माय लाइफ एंड आई हैव ग्रोन अप विद अ कल्चर ऑफ अप्रिशिएटिंग पीपल रादर देन ब्रिंगिंग देम डाउन. इट्स इजी टू क्रिटिसाइज बट यू नो खुद जब आप इस when you're on that side of the camera आप realize करते हैं, क्योंकि अब मैंने choreography भी कर ली है, मैंने acting भी कर ली है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल पेशा है. लोग समझते हैं कि you know it's all about the glamour and it's all about the beauty and everything. No, it's not. It's about pulling in 14 to 16 hours every single day, shooting in rigorous weather or you know and just constantly पता नहीं कितनी टेकें हो रही होती हैं, 20-30 टेकें हो रही होती हैं और आपका expression हिलना नहीं चाहिए. So it's tough work and you know I think एक new found appreciation भी आई है मेरी. But definitely Saroj Khan, Shyamak Davar, so many. Farah Khan, मेरे दिमाग से निकल रहे हैं अब नाम. But एक नाम कौन सा है आपका जो फेवरेट है? एक I think that Farah Khan because she brought a lot of quirk back to जो दिल चाहता है. ये हमारे rules के खिलाफ जी. अब एक अब हम foreign one. अच्छा जल्दी से favorite poet. Favorite poet? Oh man, I'm going to draw a blank right now. Yeats? Probably. Okay, fine. Favorite movie? Yeats or W.H. Auden actually. W.H. Auden. Favorite movie? Three. Favorite Dancer two, in the Dark. One. Dancer in the Dark. Okay. Dancer in the so Dark in Hollywood and Mughal-e-Azam in Bollywood. Okay. So, favorite director you have worked with? Favorite tough director? Question. Ooh, tough question. It's a tough question, man. I think it's a tie between Haseeb and Haisam Hussain. Acha, favorite actor from Hollywood? Favorite actor from Hollywood? Oh, I don't have favorites. I appreciate a lot of people. Jaisa maine kaha Hopkins, but like, main again 50,000 naam lena shuru kar dunga, which is against the rules. I don't have a favorite. अच्छा लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसमान उसे बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल आपको एक आंसर देना पड़ेगा. बहुत टफ है वो आपके लिए. फिर आप बोलेंगे आप लोग आप हमसे चिढ़ेंगे. रेट योर एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग विद दीज एक्टर इन ऑर्डर हाई टू लो राइट मायाली हरीम सबा कवर. ओह माय गॉड ओह माय गॉड दैट्स अ टफ क्वेश्चन. Okay, Saba Kamar, Maya Ali, Hareem Farooq. No, one. High to low, high to low. Oh, aapne high to low, toh maine high to low bataya na. High to low, Saba Kamar, Maya Ali, Hareem Farooq. Okay. Saba Kamar, Maya Ali, Hareem. Okay. One thing that you are most exciting about to coming to Canada? One thing?
the desi community in a different country, there's so much to look forward to. I'm really excited about the festival, sorry, battery low. Yeah, I'm really excited about the festival, and excitement mein hum bataein ki yahan par, can you imagine is time, matlab kal maybe chandat ho sakti hai. I will show you jo sare log hain yahan par aur itni usse kaam kar rahe hain, aur we are there in the sea point. Aapko main batati chalu ki yahan pe kaun kaun hai. They're so busy people. Ye dekhiye, ye Amir Shamsi hai yahan pe aur ye busy hai. Aur Amir bhai, Usman is watching you. Walaikum assalam. Very excited to be there. We are good, so good, excited. And I'm telling you, I was a little busy outside. I don't know. Let's go outside. Let's see what's happening outside. And jo hai, main dikhati hu yahan pe kaun hai. Yahan pe Saima hai, Najma hai. Is all there. So many people. Ye dekhe. Assalamu alaikum. So, हॉटस्पॉट हम ले लें क्योंकि बाहर वाईफाई का कनेक्शन नहीं होगा. तो आपको लाइव से बता दें, हम लोग एक्चुअली में लाइव करना चाह रहे थे लेकिन जो है हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बाहर बहुत दिन है. तो फिर हमने कहा कि चलिए, हम यहाँ पे आरिफ भाई हैं हमारे साथ. ये खानी साहब से मुलाकात मैं आपको उस सिर्फ कैमरा टर्न करती हूँ और ये देखें, ये देखें, आप इनको शायद जानते हैं. और देयर आर सो मेनी पीपल. Oh, sir! Usman is there. How are you? He is responsible for all this. He made all this happen, you know. Of course. अरे भाई, और मेरा तो थोड़ा पुराना रिश्ता हो गया है. We are now one film old. Anyways, see you tomorrow. Soja bhai, 5 ghante baad flight hai. Kal milenge inshallah. I want to show you the stage and the public. Look at this. Dekhiye, main aapko dikhati hu sir. This is going to be your stage, ठीक है? और ये सारा कुछ होगा वहाँ पे. इस दिन बहुत फेल होगा उस्मान. Wow. तो आई होप के जो है आपको अच्छा लग रहा होगा और आप सो जाए. बाकी आपकी 5-6 घंटे बाद फ्लाइट है. जी बिल्कुल. बस अभी अभी पैकिंग खत्म हुई है तो अब बस बाय. Bye, good night. Hafiz, thank you so much. 5 hours bus ride. Oh my god, okay. We're gonna see you at the airport. See you, Usman. Take care. Inshallah, ji. Inshallah. Bye. Hafiz. Bye. Bye.